नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो चुका है स्थानीय खबरों का। बिग बॉस से फेमस हुए बाबा ओम ने राम मंदिर निर्माण को लेकर विवादित बयान देते हुए जजों को गोली मारने की धमकी दे दी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जितने भी हैं सारे के सारे कांग्रेसी चमचे हैं, कांग्रेस ने उनको बनाया हुआ है। वो राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के और कपिल सिब्बल के वो पैर चूमते हैं। ऐसे जजों को सिर्फ एक ही रास्ता है, पीटना। 29 जनवरी को मैं अपने लाखों ओमजी हिंदू सैनिकों को लेकर के, जो सशस्त्र होंगे, मेरे सभी सैनिक के पास में लाइसेंसी रिवॉल्वर्स हैं और निशाने इतने तेज हैं जो आर्मी के पास नहीं है और पुलिस के पास में नहीं है। हमारे सैनिकों के साथ साथ जितने भी हमारे हिंदू लोग हैं 130 करोड़, उनसे भी हम आह्वान करते हैं कि आप लोग आओ। ये सुप्रीम कोर्ट से कोई जजमेंट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के जज राक्षस हैं, ये हिंदू द्रोही हैं, ये कांग्रेसी चमचे हैं। आप ये देखिए कि जिस जस्टिस ललित को, जो राष्ट्रवादी थे, उनको सिर्फ इसीलिए हटाया गया क्योंकि वो राष्ट्रवादी थे। और यदि कल्याण सिंह का कोई केस कभी उन्होंने लड़ा हुआ, कभी राम मंदिर का केस उन्होंने नहीं लड़ा था, यदि यही एक आधार है किसी जज को हटाने का, तो सबसे पहले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को हटाना पड़ेगा, क्योंकि रंजन गोगोई केशव चंद्र गोगोई का बेटा है, उसका चाचा वहां का आसाम का चीफ मिनिस्टर था, पक्का कांग्रेसी है। इसने कपिल सिब्बल ने उसको हाईकोर्ट का जज बनवाया था, जिसका फाइल फॉलोअप मैंने ही किया था। उस वक्त उसने मुझे वादा किया था, जब कभी मैं चीफ जस्टिस बनूंगा मैं हिंदुओं के पक्ष में काम करूंगा। वो वादा खिलाफी कर रहा है, इसीलिए मैं उसको पिटने जा रहा हूं। और उसके बाद मैं बजट सेशन में मैं उसके खिलाफ मैं महाभियोग ला रहा हूं, जिसके लिए 100 सांसदों से जरूरत है, मैं ऑलरेडी साइन करा चुका हूं। और उसके बावजूद भी यदि ये मंदिर निर्माण का रास्ता नहीं प्रशस्त हुआ, तो मैं सरकार को मजबूर करूंगा, बजट सेशन के बाद मैं अध्यादेश में लाऊंगा मोदी जी के माध्यम से। यदि वो भी उन्होंने नहीं किया, तो उसके बाद मैं अपने लाखों हिंदू सैनिकों के साथ मिलकर के हजारों क्रेन साथ में ले जा करके, जो वहां पर अयोध्या में जो हमने पत्थर कटवा रखा है राम मंदिर निर्माण के लिए, पूरे मंदिर के निर्माण के लिए पत्थर कटे हुए हैं, वो सारा क्रेन से उठा उठा करके हम वहां पर मंदिर का निर्माण कर देंगे। रात को 12 बजे शुरू करेंगे, सुबह 8 बजे तक हम मंदिर बना देंगे। देखते हैं सरकार की गोली में ताकत है या मेरी गोली में ताकत है। तो ये थी कुछ स्थानीय खबरें, और ऐसे ही खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।